അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലെ സുൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ പെരുന്നാളാണിന്ന്. ഒന്ന് രാവിലെ പെരുന്നാള് मुबारक सफर है वो सऊदी अरब में बहुत ज्यादा हो चुका है. शिया भाई अपने सऊदी अरब के जो आज मुकर्रमा है उसके बहुत बेहद करीब पहुंचने वाले हैं. शिया भाई के जो दोस्तों मदीना शरीफ है वो बहुत जल्द आने वाला है. शिया भाई मदीना शरीफ की ज्यारत करके अपने आगे के सफर को बहुत जल्दी रवाना करने वाले हैं. शिया भाई के दोस्तों आज के करंट लाइव लोकेशन क्या है, शिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह के शहर से सफर को रवाना कर रहे हैं और शिया भाई का आज जो कितना सफर रवाना हो चुका है. शिया भाई दोस्तों कब तक अपने हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगे, सब लोकेशन सब जानकारी टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है. तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें और माशाल्लाह शिया भाई का स्टक का लाइव लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें. मैं आपको बता दूं दोस्तों अल्लाह के रहम करम से और खरो हाफिज से आपकी दुआओं के साथ शिया भाई का जो सफर है वो सऊदी अरब में अच्छे से रवाना है और शिया भाई को आज सऊदी अरब में 15 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं. शिया भाई दोस्तों इन 15 दिनों में लगातार अपने सफर को रवाना करते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं. उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिया भाई का जो सफर हो रहा है दोस्तों सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रही है. शिया भाई धूप में अपने सफर को रवाना कर रहे हैं तो आप अल्लाह से दुआ करें कि उनका जो सफर है वो आसानी के साथ हो. शिया भाई का दोस्तों जो अभी सफर हो रहा है वो सऊदी अरब के अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फी शहर के हो रहा है. शिया भाई दोस्तों जुल्फी शहर से अपने सफर को रवाना करते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं. शिया भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कल 30 से 40 किलोमीटर का सफर रवाना करा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह शिया भाई का जो दोस्तों सफर है सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 किलोमीटर का हो चुका है. बहुत जल्द दोस्तों शिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने हज मुकर्रमा की तरफ पहुंच जाएंगे. शिया भाई के दोस्तों जो अभी सफर हो रहा है वो मदीना शरीफ की तरफ हो रहा है. शिया भाई दोस्तों पहले मदीना शरीफ में जाएंगे और वहाँ की ज़ियारत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद अपने हज मुकर्रमा की तरफ अपने सफर को रवाना कर देंगे. माशाल्लाह दोस्तों शिया भाई का अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ से जो अपने हज मुकर्रमा तक का सफर होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 400 किलोमीटर का होगा. और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि शिया भाई का जो बाकी सफर रह गया मदीना शरीफ से दोस्तों ज्यादा बाकी नहीं रह गया है. शिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह 550 किलोमीटर का सफर रवाना करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदीना शरीफ में पहुंच जाएंगे. और जब दोस्तों शिया भाई मदीना शरीफ में पहुंचेंगे तो शिया भाई दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी होगी क्योंकि दोस्तों शिया भाई का सपना है जो ड्रीम है वो मुकम्मल हो जाएगा. शिया भाई दोस्तों जब अपने सफर पर निकले थे अपने अल्हम्दुलिल्लाह केरला से अपने मक्का के सफर में तो दोस्तों शिया भाई के पास 8000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर था. तो शिया भाई ने अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करा और इस मुश्किलों का सामना करते हुए शिया भाई ने अपने इतने सफर को रवाना कर दिया है. अब शिया भाई का जब दोस्तों बाकी सफर रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं है, शिया भाई के पास 700 से 800 किलोमीटर का सफर रवाना करने को रह गया है. आपकी दुआएं शिया भाई के साथ, बहुत जल्द दोस्तों शिया भाई से 800 से 700 किलोमीटर का सफर को भी रवाना कर देंगे और अपने बैतुल्लाह शरीफ हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगे. वहां पहुंचते ही दोस्तों शिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करेंगे क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने शिया भाई के वाले से बहुत दिन रात दुआएं करी हैं. तो दोस्तों शिया भाई भी आपके लिए अल्लाह की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करेंगे और अल्लाह शिया भाई की दुआ को कबूल अता फरमाए. जैसे ही अपने हज मुकर्रमा पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह शिया भाई सारी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे. तो आप भी उनके लिए दुआएं करें कि उनका जो सफर है वो आसान हो. हम आप लोगों को शिया भाई का 2023 तक का पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे, इसलिए आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं. जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें. मिलते हैं शिया भाई के लिए बिग अपडेट के साथ.